हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सत श्री अकाल, आदाब, और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, घर में सेफ होंगे। तो आज आप टाइटल पर से समझ गए होंगे कुछ है डिफरेंट। तो अयांश का एक्चुअली हैप्पी बर्थडे आने वाला है। सो बर्थडे आने वाला है तो मैंने सोचा कि डेकोरेशन का सामान मीन्स बैलून्स वगैरह तो बाहर से ले आएंगे, बट छोटा मोटा और डेकोरेशन का सामान मैं घर पे ही बनाती हूँ, थोड़ा कार्टूनी टाइप का, एनिमेटेड टाइप का, ताकि इसे भी मजा आए। आई नो कि कोई गेस्ट नहीं आने वाले, कोई नहीं आने वाला, बट एटलीस्ट इसे फीलिंग आनी चाहिए कि इसका बर्थडे है। एंड मतलब अब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो समझ सकता है कि अब इसका बर्थडे है तो उस बर्थडे के दिन कैसे डेकोरेट किया जाता है क्या। तो मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ डेकोरेशन का सामान बनाते, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ मैं। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और बहुत ही इजी होता है, जिसको बाजार में बहुत सारा चीज होता है सजाने के लिए जो बहुत महंगा देते हैं, एंड घर पे बना लो इतना इजी होता है वो कि क्या बताऊं मैं। सो हम लोग जल्दी से बिना किसी फर्दर लेट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं कि क्या मैं बना रही हूँ और कैसा है ये सारा चीज। सो चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बिना मेजरमेंट के जो काटा है तो उसका जो स्पाइरल आ रहा है वो कैसा है, ये देखिए। ऐसे 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 मैंने काफी बड़ा सा सर्कल लिया, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये उतना बड़ा है ये सीलिंग पे लटकाने के लिए। एंड आप इस पेपर को जब गोल कट कर लें तो इसको ग्लिटर कलर से या कोई भी अपने हिसाब से कोई भी कलर से सेम इसको रैपिंग पेपर से भी बना सकते हैं। ये रफ के लिए आप एक न्यूज़पेपर या किसी से काट के आप देख लीजिए। अगर आपको डिजाइन चाहिए तो मैं आपको डिजाइन भी बता सकती हूँ कि क्या करना है। एक बड़ा सर्कल मीन्स एक प्लेट से या किसी भी चीज से एक सर्कल करना है, उसके अंदर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा जस्ट इक्वल सर्कल्स आप बना लीजिए एंड उस सर्कल को कनेक्ट करते हुए काटिए। वो भी मैं डिजाइन आपको दिखाती हूँ जो कि मैं पहले से ही बना चुकी हूँ। ये बहुत ही मस्त स्पाइरल बना है तो आप देख सकते हैं घर में ही स्पाइरल रेडी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक रेड पेपर लिया था, एक्चुअली ये थोड़ा सा हार्ड पेपर था, वो होता है ना लाइक कैलेंडर का पेपर, ये वो वाला पेपर है। तो वो वाला पेपर था, इस पे मैंने दो होल बना दिया है ताकि इसको मुझे टांगने में आसानी हो। एंड ये देखिए मैंने इसका कट किया है जो उसी तरह से सेम, मतलब एक बड़ा सर्कल उसके अंदर छोटा सर्कल उसके अंदर उससे छोटा सर्कल एंड उससे छोटा सर्कल। तो ये थोड़ा मुझसे आई थिंक प्रॉपरली कट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं ये स्पाइरल मैंने ये कैसे बनाया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है और काफी सुंदर लगता है, तो आई थिंक कि आपको पसंद आएगा ये वाला स्पाइरल। तो आप देख सकते हैं ये कितना इजी है। सो मैंने इसी तरीके से काफी सारे राउंड ऐसे, वो एक पेपर था मेरे पास रेड कलर का, आई डोंट नो वो कहाँ का पेपर था बट मुझे मिल गया था घर में। तो मैंने उससे प्रॉपर एक प्लेट रख के सर्कल काटे एंड उससे मैंने ये स्पाइरल ऐसे सारे का मैंने कट कर लिया और ये व्हाइट वाला स्पाइरल। तो ये देखिए ये मेजरमेंट से काटा हुआ है, ये विदाउट मेजरमेंट काटा हुआ है। आप चाहें तो ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं, मीन्स ये लंबा बना के एंड इसके मिडल में पेस्ट करके, लाइक मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए इस टाइप से आप पेस्ट करके इसको डबल वैसा स्पाइरल टाइप का भी बना सकते हैं।
तो आई होप कि आपके लिए यूजफुल रहा होगा और मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मैंने जो बनाया है लाइक ये डिजाइन जो है ये मोस्टली हर बर्थडे में बनता है एंड ये बहुत ही सुंदर लगता है। आपके पास जिस टाइप का भी हो, और एक मैंने ये सॉरी उल्टा मैंने ले लिया, एक ये मैंने बनाया स्पाइरल वाला, एक मैंने व्हाइट कलर का स्पाइरल बनाया। सो ये थोड़ा सा एक्चुअली आयांश खेल के उलझा दिए हैं। तो मैंने बहुत सारे चीजें बनाई, तो आपको कैसा लगा? अगर आपको और भी इस टाइप के वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। टिल देन बाय बाय।